तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गेमिंग हंटर यूट्यूब चैनल। तो भाई, आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानती हैं, हमारी पहले से एक सीरीज़ स्टार्टेड है, बट या मैंने सोचा क्यों ना एक और नई सीरीज़ स्टार्ट करें, और वो COC गेम के ऊपर बेस्ड है, यानी कि क्लैश ऑफ क्लैंस के ऊपर। और भाई, इस सीरीज़ का नाम जैसे कि आप लोग देख ही चुके होंगे, वो है फिक्स दैट रश, इसका नाम है। और भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब TH10 का है, मतलब TH10 अगर आपका बेस रश है तो आप लोग उसको कैसे मैक्स करें, तो आप लोग मेरी ये वाली सीरीज़ देख सकते हैं। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे पास अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो कि मौका भी है बेस को मैक्स करने का। हालांकि काफ़ी हद तक मेरा रश है, और मैं अपना दूसरा बेस लिया सर्च वो कर लेता हूँ सर। ओके, इसको पहले एडिट करना पड़ेगा, कुछ तो रह चुका है। ओके, मेरी 4 वॉल्स वो रखी हैं, चलो इनको इधर लगा देता हूँ। क्या ही तो बोलना है इस बेस का, मतलब भाई काफ़ी तगड़ा मैंने बनाया है। आप लोग भी अगर चाहें तो ऐसा बेस बना सकते हैं, क्योंकि यार देखो, इधर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक तरफ होंगी आपकी सारी वॉल्स, एक तरफ एक्स बॉल्स, एक तरफ आपका मोर्टार, आर्च टावर, विजर टावर और एयर डिफेंस, एक तरफ रिसोर्सिस का, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे, मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में इजीली फाइंड कर सकता हूँ। मैंने कुछ इस तरह से बेस बनाया, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यार, सेम बेस बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, काफ़ी इजी रहेगा। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस बेस को आप लोग तभी रखना जब आप लोग ऑनलाइन होते हो, जब आप लोग ऑफ करने वाला होगे, आप लोग अपना मेन बेस लगा लेना, जैसे कि मैंने ये वाला लगाया हुआ था, तो वो आपका बेस लेआउट है। और भाई, सीज़न भी यहाँ पर ख़त्म होने वाले, तो हमको काफ़ी अच्छी खासी लूट मिलेगी। देख सकते हो, 50-50 लाख गोल्ड इलिक्सर होगा, 50,000 डार्क इलिक्सर होगा, और ये ख़त्म कितने दिन में होगा, चलो देख लेते हैं। 6 days 2 hours में ये ख़त्म हो जाएगा, और तभी क्लैन वार लीग भी स्टार्ट हो जाएगी, और क्लैन गेम्स भी चल रहा है यार, मतलब काफ़ी अच्छा हो रखा है। मेरे तो सबसे पहले पॉइंट्स हो गए थे, और भाई हमारे काफ़ी सारे बंदों ने कर दिए। हालांकि हमारे काफ़ी सारे बंदे अभी ऑफ गेम्स, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बैच के। तो भाई देखो, अभी हमारे पास 3 बिल्डर्स हैं लीग थोड़ी सी, मतलब ठीक है, मैंने बढ़ा ली थी, पहले मैं सिल्वर भी था, हालांकि मेरी मेन लीग सिल्वर नहीं है, मेरी मेन लीग क्रिस्टल 1 थी। मैंने ट्राई किया था चैम्पियन पे जाने का, मतलब सॉरी मास्टर पे जाने का, बट मैं जा नहीं पाया, ट्रॉफीज़ काफ़ी ज़्यादा माइनस हो रही थी अगर मुझ पर कोई अटैक कर रहा था। तो भाई, अभी मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा आसानी से इस सीरीज़ में बताऊंगा आप लोग अपना TH10 कैसे मैक्स कर सकते हो। ये सिर्फ TH10 वालों के लिए नहीं, TH9 और 11 वालों के लिए भी है, आप लोग सेम देख कर सकते हो अपना बेस मैक्स। तो आप लोग मेरे पास देख सकते हो, लूट मतलब काफ़ी अच्छी है, मेरे पास गोल्ड की स्टोरेज ऑलमोस्ट नहीं, पूरी भरी हुई है यार, और स्टोरेज भी काफ़ी कम है। हम लोग उनों को भी अपग्रेड करेंगे, रेस्ट बेसिस में ऐसा ही होता है। तो हमारे 2 बिल्डर्स फ्री हैं, आई नो कि एक ही फ्री है, तो ये वाला जल्दी से जल्दी होने वाला है, 15 मिनट में हो जाएगा, उतने हम लोग मतलब भाई हो जाएगा तब तक तो। और उसी के साथ डार्क एलिक्सिर काफ़ी अच्छा खासा है हमारे पास, तो मेरे 2 गोल रहेंगे। पहला गोल तो ये होगा कि हम लोग अपनी भाई देखो, डिफेंसेस तो मेरा ऑलमोस्ट अच्छा खासा है ही, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कुछ, हालांकि मैक्स हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 एक्स बॉस, ये वाला एयर डिफेंस, और ये वाला हो रहा है, और आई डोंट थिंक सो कि कुछ और मेरा मैक्स है। तो भाई, आज का मेरा जो गोल है, और भाई मेरे किंग क्वीन भी बहुत लो लेवल के, लिटरली बता रहा हूँ, 15 का किंग और 20 की क्वीन है। तो आज का गोल जस्ट सिंपल है, हम लोग मतलब गोल्ड से अपनी थोड़ी बहुत ही वॉल्स अपग्रेड करेंगे, और साथ में कोई एक डिफेंस अपग्रेड करेंगे जो कि काफ़ी हद तक लूट लेगा। और हमारा जो दूसरा गोल होगा वो होगा कि हम लोग डार्क एलिक्सिर से अपनी क्वीन को लेवल अप करें, सॉरी किंग को, किंग बहुत लोअर का है। तो सबसे पहले फार्म करेंगे, फार्म करने से पहले थोड़ी सी वॉल्स को मैं जो कि अपग्रेड कर लूँ, इस वॉल को हटा देते हैं, अपनी ये 7 वाली को कर देते हैं इतना, और इधर भी कर देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, इस पीस को हटाना पड़ेगा, इस पीस ऑफ वॉल को, वरना होगी नहीं वो, वरना मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा, वरना ओके अभी वो पीस ऑफ वॉल हटा हुआ है इसलिए हो रहा है, वरना मैं आपको दिखाता हूँ अभी देखो, वरना यार ये ऐसे अभी ऐसे सिलेक्ट हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या ही तो बोलूँ मैं, यही तो फ्री सॉरी COC के नशे। तो थोड़ा सा गोल्ड, ओ भाई गोल्ड पूरा ही खत्म हो गया, मैंने देखा ही नहीं। चलो यार, सबसे पहले रिक्वेस्ट कर देते हैं, 2 बंदे ऑनलाइन है, ओ पैकन चाहिए एक्चुअली मेरे को, ओ पॉइजन तो चाहिए यार, पॉइजन कोई दे नहीं सकता आई थिंक सो, एक ही बंदा ऑनलाइन है, होग राइडर्स मेरे को चाहिए रहेंगे। तो टोटल मैक्स के कितने आएंगे, 9 के हैं, 9 के तो नहीं मिल सकते यार, मेरे क्लाइंट में कोई होग राइडर्स ट्रेन ही नहीं करता, तो इसलिए मैं अपनी जो कि दूसरे आईडी में ऑनलाइन ही बैठा हूँ, तो उससे भेज देता हूँ। और पॉइजन उस अकाउंट में नहीं है, तो
बिना पॉइजन के चलें क्या? एक सेकेंड, मेरे पास मतलब पॉइजन तो पड़ा है बट यह लेवल 1 का है, दूसरे अकाउंट से भी ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा, 3 लेवल का ही आएगा आएगा तो इसलिए यार मेरे को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा अभी एडजस्ट। वैसे पॉइजन इतना यूज़ भी नहीं करेंगे हम लोग, और आप लोग मेरी स्ट्रेटजी देख ही सकते हो, 25 माइनर हैं, 13 विजर्ड है और 28 आर्चर है, और स्पेल्स में 4 हील है, 1 रेज है और 1 पॉइजन है, और सीसी में 7 चुके मेरे होग राइडर्स हैं। सो इसीलिए यार मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए अटैक में। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट के भी हम लोग जुके हैं, अपना अटैक सर्च करने चलते हैं। मैक्सिमम लूट हमको चाहिए रहेगी 3 लाख से अपर। तो भाई साहब पहले ही बेस में देख सकते हो कितनी तगड़ी लूट आई है, और इसका सीसी ल्यूर कर नहीं सकता हूँ मैं तो, इसलिए थोड़ा सा माइक भी दिक्कत होगा। तो सबसे पहले आर्चर से थोड़ी सी क्लियरिंग करेंगे। आर्चर्स मैंने इसलिए इतनी ज़्यादा रखी हैं क्योंकि आर्चर्स बेस्ट है क्लियरिंग के लिए, और आर्चर्स का लेवल बहुत लो है मेरे को पता है, बट कोई बात नहीं, ये आर्चर लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए यार। तो चलो विजर्ड्स को भी छोड़ देते हैं, हालांकि मैं 3 विजर्ड्स बचा के रखूँगा। सीसी में आपको हॉग राइडर्स हैं, और भाई TH9 है तो माइनर्स को रोकना लगभग नामुमकिन है TH9 पे, तो हीरोज़ को छोड़ देते हैं और हॉग राइडर्स किधर छोड़ू मैं। एक्चुअली ये जगह बेस्ट लग रही है मेरे को हॉग राइडर्स छोड़ने की, तो इट्स टाइम टू ड्रॉप माइनर्स यार। माइनर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे काफ़ी हद तक। ओके तो यहाँ पर मेरे को मेरा ये बचाना पड़ेगा। ओके हॉग राइडर्स मर भी गए यार, भाई मेरा हील वेस्ट हो गया उधर यार, शिट मैन। तो इधर एक बॉम्ब फटा और इधर एक विजर टावर भी है, उसका डैमेज सॉक हो रहा था, तो आई थिंक सो रेज का परफेक्ट टाइम आ चुका है। नहीं यार, हाँ रेज यहाँ पर गिराना पड़ेगा। पॉइजन आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई हीरो वगैरह था तो मेरे को पॉइजन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओ भाई मैं हमेशा गलत टाइम पर हील फेंक रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे माइनर्स कहाँ गए यार सारे, मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा, और बेस 2-स्टार हो चुका है, काफ़ी घटिया अटैक गया ये वाला, आई नो दैट, बट या हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ पर। तो थोड़ा सा इलीजर ले लेता हूँ यहाँ से, अरे अरे ये मोटार दिक्कत देगी। ओ यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा इलीजर मिलेगा, तो मैं दोनों विजर्ड्स को इधर ही छोड़ देता हूँ, देखते हैं क्या बनता है यार, कुछ मतलब कुछ तो होना ही चाहिए। चलो क्या ही बचा, अभी ये 2 ही विजर्ड बचे हैं, ये दोनों भी मरने वाले हैं, इसलिए एंड बैटल ही कर दो। मतलब लूट थोड़ी सी अच्छी मिली, ज़्यादा अच्छी तो नहीं मिली यार, बट या इतनी बुरी भी नहीं मिली, साथ में बोनस बहुत कम था यार, 9000 का ही है यार। देखो जल्दी से जल्दी मेरे को जो कि मास्टर पे पहुंचना है और अपना फोर्स बिल्डर जो कि लगा देना है, तो नेक्स्ट आर्मी भी रेडी है, तो अटैक करने चलेंगे। सबसे पहले मैं सीसी की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता यार, जेम्स देने पड़ेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ, और हीरोज़ भी यार मेरे वो नहीं होंगे ना, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ जब तक हीरोज़ और सीसी नहीं हो जाता। तो चलो यार मैं एक सेकंड में वापस आता हूँ। सो गाइस मेरी आर्चर क्वीन जो कि है यहाँ पर उठने वाली है, देखो बस इतनी हम लोग सीसी की रिक्वेस्ट कर देते हैं। चलो ज़्यादा अच्छे लेवल के तो नहीं आएंगे, बट तो फिर भी लेवल 4 के भी बहुत रहते हैं, क्योंकि यार मेरे दूसरा अकाउंट काफ़ी लोअर लेवल का है, सो दैट्स वाई मेरे को इतने में ही मैनेज करना पड़ता है। TH8 है यार वो, और लेवल 2 के ही हो गए रेडर्स हैं, 3 के कर रहा हूँ अभी उसमें, तो टाइम लगेगा यार थोड़ा सा, इसलिए अभी हमको 4 तक के ही लोग 4 वालों को ही मैनेज करना पड़ेगा, 4 से ही अटैक्स करने पड़ेंगे, बाद में 5 के मिल जाएंगे, तो सब कुछ रेडी है यार। पॉइजन नहीं मिल पा रहा है जस्ट बिकॉज पॉइजन मैं ट्रेन नहीं करता हूँ दूसरे वाले में। अरे मैं इधर ही क्यों आ रहा हूँ बार बार, सॉरी ये पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो आर्मी भी ट्रेन है, हीरोज़ भी वो हैं, और ये हमारा होने वाला है लास्ट अटैक, उसके बाद हम लोग अपने अपग्रेड्स करेंगे। तो चलो यार, तो अगर हमारे ये वाले अटैक्स हो पा रहे हैं तो भाई मेरे दूसरी अकाउंट के कारण ही हो पा रहे हैं, वरना तो ना ही होते। ओके लूट काफ़ी सारा मतलब डिसेंट सा लूट है, सीसी ल्यूर करने की ट्राई करता हूँ, आई थिंक सो नहीं हो रहा ल्यूर की, इतनी तो रेंज होती है यार सीसी की, आई थिंक सो इतनी रेंज होती है सीसी की, तो कहाँ से अपनी आर्चर्स छोड़ूँ, लेट्स चेक आउट दैट फर्स्ट, बाद में कुछ सोचूंगा, इधर ही छोड़ते हैं, इधर काफ़ी अच्छा खासा लूट है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्टली एक एक आर्चर कॉर्नर्स में छोड़ देते हैं। भाई इस बंदे की लूट आलमोस्ट सारी की सारी बाहर ही पड़ी है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है,
और मैं अपना अटैक कहाँ से स्टार्ट करूँ, रियल अटैक कहाँ से स्टार्ट किया जाए। इधर से तो आई थिंक सो कि सारी लूट मिल जाएगी मेरे को, और अगर नहीं भी मिलती तो कोई चक्कर नहीं है यार, बेस की आधी से ज़्यादा लूट छीन ली गई है। चलो यहाँ से अटैक स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। तो सबसे पहले मैं किंग इधर छोड़ूंगा और क्वीन इधर, ताकि जो कि सारा डिफेंस इस किंग पे लोक हो जाए। ओके सो होग राइडर्स को तो मरने दो यार, कोई फ़ायदा नहीं है उनको जिंदा रखने का। बस एक बारी मेरी ये जो है ना माइनर्स, जस्ट वो एक बारी मिडिल में पहुंच जाए फिर अच्छा खासा मजा आएगा। इधर मैं हील ड्रॉप कर देता हूँ, विजर टावर है तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज सोप हो रहा है सिर्फ विजर टावर में। तो रेज भी यहाँ पर छोड़ देता हूँ, कोर में तो घुस ही गए हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस बेस पे फिलहाल के लिए, अब तक तो कोई ऐसा नहीं आया जिसको मैं पॉइजन कर सकूँ। भाई हील गिरा हो, इधर बॉम टावर दिक्कत देगा। किंग क्वीन मेरे किधर है वो मेरे को नहीं पता चल रहा, और बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी यार, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और भाई किंग गलती से गलत जगह पे आई थिंक मेरा वो गिर के पॉइजन, नहीं, किंग पे अच्छी जगह पे गिरा, और भाई किंग उधर ही खड़ा है आराम से, और मेरे हीरोज जो कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं वॉल्स पे यार, दैट इज़ नॉट गुड। मेरे पास दो ही अभी भी बचे हुए हैं जिनों से मैं जो कि काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज निकाल सकता हूँ। सारा का सारा डाक इधर है इस बेस का, तो इधर से मेरे को काफ़ी कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा। किंग वर्सेस किंग चल रहा है, कोई बात नहीं हमारा किंग जीत जाएगा एट द एंड। तो भाई दो से तीन घुसे ही लगेंगे, तो भाई क्वीन लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, और मेरा किंग भी आलमोस्ट डेड होने वाला है। हील फेंकने का उस पर कोई फ़ायदा नहीं है, पहले फेंकना चाहिए था। तो भाई आर्चर क्वीन या डार्क चाहिए मेरे को, डार्क ले ले बस आर्चर क्वीन, वो बहुत ज़्यादा होगा मेरे लिए। और आर्चर क्वीन मेरी जितना टाइम तक सर्वाइव कर सकती मैं उतना टाइम तक सर्वाइव करवाना चाहता हूँ इसको, मैं चाहता हूँ। ओके आई थिंक मेरे को यहाँ पर अभी यूज़ करनी पड़ेगी इसकी एबिलिटी। मैं चाहता हूँ कि मेरी क्वीन जो कि वो आलमोस्ट सारा का सारा डार्क ले ले इस बेस का। ओके तो यार डार्क को ये फायर ही नहीं कर रही है, दिक्कत वाली बात वही है आई थिंक, इसकी उतनी रेंज ही नहीं है। ओके सो ये डार्क पे जाएगी, आई डोंट थिंक सो कि ले भी पाएगी ये, क्योंकि यार काफ़ी कम टाइम बचा है, और मेरे पास वैसे डार्क तो उतना हो चुका है जितने से क्वीन अपग्रेड हो सकेगी मेरी। लो भाई सब खत्म हो गया, काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी मिल गई है हमको, मतलब डिसेंट सा लूट मिला, ना ही बुरा था, मतलब अच्छा था, बुरा तो नहीं बोल सकते उसको। तो भाई सबसे पहले मेरी सर जी इनको हमको किंग को अपग्रेड पे, ओह शिट यार किंग अपग्रेड पे करना था, क्वीन कर दी। तो अभी अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो मेरा काफ़ी ज़्यादा डार्क जो कि जाएगा यार, गलत सीन हो गया यहाँ पर। मैंने स्टार्टिंग में बोला था किंग को अपग्रेड करेंगे, बट मैं क्वीन क्वीन बोलता रहा था, तो मेरे को लगा क्वीन यार। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में किंग को भी कर देंगे। और किस डिफेंस को डालूँ, तो कोई अच्छा सा डिफेंस आई थिंक, तो मेरे को एक तो कोई तगड़ा सा डिफेंस चाहिए ही रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग कर सकते किसी आर्चर टावर पे लगते हैं यार, आर्चर टावर नहीं विजर टावर मेन रहता है, तो विजर टावर लगाएगा दो दिन हम लोग, मतलब भाई तीन दिन बाद जो कि है एक नया एपिसोड आएगा, क्योंकि तब तक मेरे सारे के सारे बिल्डर्स फ्री हो जाएंगे। तो हाँ भाई मैं इसके एपिसोड्स रोज़ रेगुलरली नहीं डाल सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ बिल्डर्स मेरे बिजी रहते होंगे, तो जब भी फ्री होंगे दो से तीन बिल्डर्स तब मैं अपना नया एपिसोड बना दूंगा। तो अभी तक तो यार इतना ही था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में इस सीरीज़ के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।